हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हम 12th के फिजिक्स स्टार्ट करते हैं फाइनल स्टेप कोर्स में। इसमें हम 12th के क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन करने के बाद टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोस्टेट की आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। बेसिकली तीन क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, 2019 में भी तीन क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे क्या है कि दो से ज़्यादा ही क्वेश्चन अक्सर इसमें आता है और चैप्टर वी आर बहुत बड़ा है बल्कि है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं कैपेसिटर से उठा रहा हूँ। या इसको देखो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। चलो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में पहले से है। इसकी कैपेसिटी अगर यहाँ पर एयर या वैक्यूम कंसीडर किया जाता तो इसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफेरेड क्वेश्चन में दिया गया है, ऐसा मेंशन है, आप इधर देख सकते हो। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीचों में एयर को हटा के या मैं दूसरा कुछ इसमें इंसर्ट कर देता हूं तो कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे कैपेसिटी इंसर्ट कर दिया मैं डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटी कितनी टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटी ऑफ द एयर। हम सब बहुत बेसिक है पढ़ के आए हैं। तो हमारा टारगेट है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम आप डाले हो इसमें जिसकी वजह से कैपेसिटी सी डैश ये हो 30 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे दिया हुआ है 30 माइक्रोफेरेड हो गया। तो आप के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे यार, के का डिफिनेशन क्या है। अब एक तो के का डिफिनेशन यहाँ से आ गया कि के इज इक्वल टू कैपेसिटी कैपेसिटेंस आफ्टर द इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम, ऐसे भी निकाल सकते हो। और या के द सेम के इज ऑल्सो डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। इस के को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इसको कंसीडर करते हैं, या इसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सी डैश फाइनल सी डैट, यहाँ देखो सी डैश 30 है, इनिशियल जब एयर था तो 6 दिया हुआ, मतलब ये आ जाएगा 30/6 और ये हमें चाहिए और इसकी वैल्यू है 8.85 × 10^-12 जो कि एक कॉन्स्टेंट है, पहले से मुझे याद है उसकी वैल्यू या वो क्वेश्चन में साइड में दिया हुआ है। तो परमिटिविटी अब मीडियम आ जाएगा 5 × 8.85 × 10^-12। तो फाइनल जो सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों वो इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट इसको काट कूट लो तो यह जाएगा 0.44 × 10^-10 और यूनिट आ जाएगी इसकी कूलाम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से हमने इसको कैलकुलेट किया। और ये क्या है, परमिटिविटी या मीडियम, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। तो फाइनली मुझे ये सेकंड ऑप्शन सही दिख रहा है। यहाँ पे कूलाम स्क्वायर होता है, यहाँ पे यूनिट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, यूनिट लिखना जरूर।